है ना, और यह आपके संपूर्ण देश, पूरे भारत की सभी चीज़ों जगहों पर संपूर्ण देश को चलाने वाली व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? राज्य व्यवस्था। साथ में बोला करिए, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? संपूर्ण देश को चलाने वाली व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहा जाएगा। टोटली देश, जितना इस देश के अंतर है आपका, वो सभी के सभी जितना भी चलाने के लिए व्यवस्था है, उसे हम क्या बोलते हैं? राज्य व्यवस्था। इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिटी। तो सिंपल सी बात बताओ, पॉलिटी की परिभाषा क्या होती है? संपूर्ण देश को चलाने वाली व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहा जाएगा। फिर से बोलो, क्या बोले बाबू? संपूर्ण देश को चलाने वाली व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहा जाएगा। अब यह संपूर्ण देश की जो व्यवस्था चलती है, संपूर्ण देश को जो चलाने वाली व्यवस्था है, टोटल देश को चलाने के लिए क्या बाबू? संपूर्ण देश को क्या करने वाली व्यवस्था? चलाने वाली व्यवस्था को ही हम क्या बोलेंगे? राज्य व्यवस्था। और इस संपूर्ण देश की व्यवस्था जो है वो किस पर चलता है? संविधान पर। इस संविधान के बारे में एक दूसरा लाइन बताए थे कि संपूर्ण देश की जो राज्य व्यवस्था है उसको चलाने के लिए एक लिखित किताब है, एक बुक है। बुक कैसा है बाबू? आपका लिखित रूप से है। तो लिखित एक बुक है और इस लिखित बुक में नियम और कानून लिखा गया है, और इसी नियम और कानून को हम क्या बोलते हैं? संविधान कहते हैं। बोलो क्या बोलते हैं बाबू? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। बोलो बाबू, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर से बोलो, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? संपूर्ण देश को चलाने वाली व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहा जाएगा। फिर से बाबू, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? संपूर्ण देश को चलाने वाली व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहा जाएगा। फिर से बोलो बाबू, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? संपूर्ण देश को चलाने वाली व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहा जाएगा। संपूर्ण देश किस पर लिखित है आपका चल रहा है? किताब पर। किताब कैसा है? लिखित है। इसमें क्या है? नियम और क्या कहलाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। बोलो किसका संविधान? यह लिखित रूप से। तो बोलो, भारत का संविधान कैसा है? अब भारत की संविधान कैसा है? तो भाई मेरी लिखित है। अब ये भारत की संविधान होना चाहिए, तो इसी पर नियम और कानून है, और इसी से आपका देश क्या होगा? चलेगा। तो भारत का संविधान होना चाहिए, ऐसा मांग सबसे पहले 1895 में किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। किससे मांग करना था? क्योंकि अंग्रेजों से। हमारे पास किसके, हम लोग किसके गुलाम में थे? अंग्रेजों। तो बाल गंगाधर तिलक, एक बार बोलो कौन बाबू? बाल गंगाधर तिलक। फिर से बोलो कौन तिलक? बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले कहा था कि हमारा देश में संविधान होना चाहिए, हमारा देश में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ये औपचारिक मांग तो नहीं था, लेकिन मांग किया था, हाँ प्रस्ताव रखा था। 1922 में महात्मा गांधी किए थे। बोलो कौन गांधी बाबू? कि भारत में क्या होना चाहिए? संविधान। 1934 में औपचारिक और ऑफिशियल मांग M.N. राय। बोलो क्या बाबू? M.N. राय किए थे, यही इनका औपचारिक मांग था कि देश में क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। 1935 में, 1934 में इसको दोहराया भी गया था। 1935 में छोटा सा संविधान के रूप में आया था, 1935 के भारत शासन अधिनियम, लेकिन इससे हम लोग खुश होने वाले में से नहीं थे। तो बाबू 1935 में अंग्रेजों ने कौन सा अधिनियम दिया हम लोग का? भारत शासन अधिनियम। बोलो फिर से क्या बोलना है? भारत शासन अधिनियम। कब? 1935 में। इसमें भी 321 गो धाराएं थे, 14 गो भाग भी थे, कुछ अनुसूचित 10 गो आसपास में थे, और आपका 1935। उसके बाद हम लोग लगातार अंग्रेजों से मांग करते गए, भैया संविधान दो, संविधान दो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन दो। तो आपका 1940 में एक प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव, और अगस्त प्रस्ताव में कहा था कि आपको संविधान को दे दिया जाएगा, लेकिन तुम, हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार जो चल रहा था 1939 से कब तक, 45 तक,
इसमें हमें क्या करो साथ दो, लेकिन हम लोग इसको भी साथ नहीं दिए। 1942 में एक प्रस्ताव आती है, क्रिप्स प्रस्ताव। बोलो कौन प्रस्ताव? क्रिप्स प्रस्ताव आया, सबको हमने इग्नोर किया। तब जाकर 24 मार्च 1946 में कौन मिशन आया? कैबिनेट मिशन। और यह क्या बनाएगा? संविधान। फिर से बोलो, राज व्यवस्था किसे कहते हैं? संपूर्ण देश को चलाने वाली व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहा जाएगा। बोलो राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? संपूर्ण देश को चलाने वाली व्यवस्था को राज्य व्यवस्था। फिर से बोलो, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? संपूर्ण देश को चलाने वाली व्यवस्था को राज्य व्यवस्था। मुहा खोलना है और प्यार से बोलना है। बोलो बाबू, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? संपूर्ण देश में चलाने वाली व्यवस्था को राज्य। और यह संपूर्ण देश में व्यवस्था कैसा चल रहा है, यह किताब कैसा है, इसमें नियम और क्या लिखा है, इसी को क्या बोलते हैं? संविधान। बोलो क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलेंगे बाबू? सबसे पहले संविधान का मांग किसने किया था? फिर बोलिएगा 1900 कितना में कौन? गांधी। फिर बोलिएगा कौन? राय। फिर बोलिएगा कौन अधिनियम आया 1940 में, 1942 में, और फाइनल आता है कब बताओ? तो फाइनल आता है 24 मार्च 1946। बोलो कब बाबू? 24 मार्च 1946। कौन मिशन? कैबिनेट मिशन। बोलो कौन मिशन? बोलो कैबिनेट मिशन कब आया? 24 मार्च 1946। बोलो कई मार्च को? 1900 कितना को? कौन मिशन? बोलो कब बाबू? 24 मार्च 1946। बोलो कौन मिशन? और कैबिनेट मिशन में कितना लोग आया? बोलो सबसे पहला का नाम क्या है? पैथिक लॉरेंस। बोलो फिर से, पैथिक लॉरेंस। एक बार बोलो कौन लॉरेंस? फिर बोलिएगा ए बी एलेक्जेंडर। बोलो क्या बाबू? ए बी एलेक्जेंडर। फिर से बोलो क्या बोला? ए बी एलेक्जेंडर। फिर बोलिएगा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। फिर से बोलो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। एक बार आप बोलो कौन क्रिप्स? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो आपका पैथिक लॉरेंस, ए वी एलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। एक बार आप बोलो पैथिक लॉरेंस, ए वी एलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। अब यह तीनों क्या आया था भारत में क्या बनाने के लिए? संविधान। बोलो भारत में क्या बनाने के लिए? तो इस संविधान बनाने से पहले इसको किसका गठन करना पड़ेगा? संविधान सभा का। वही लोग, क्योंकि भारत का हर लोग तो संविधान नहीं ना बना सकता है, तो संविधान बनाने के लिए गठन करना पड़ेगा संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। बोलो कौन असेंबली? तो यहां के लोगों से, यहां की जनता से जब बात करती है, यहां का नेता से बात करती है, तो हर नेता कह रहा है कि हम जाएंगे संविधान में। वो कह रहा हम जाएंगे। तो सबको वहां जगह है जी? असंभव है सब संविधान बनाएगा? नहीं सर, सब संविधान नहीं बनाएगा कोई संभव नहीं है। अब संविधान नहीं बनाएगा कोई संभव नहीं है तो कहा रुको हम दिमाग लगाते हैं और इसमें संख्या निश्चित कर दिया। कितना? क्योंकि 389 389। बोलो 389 नहीं बोलना है, 389। बोलो फिर से 389। तीन बोलो, आठ के बाद नौ बोलो, 389। अब यहाँ पे कितने लोग थे? अब इन लोग पास हो गए। बोलो क्या हो गए? बोलो पी से ऐसे ऐसे पैथिक लॉरेंस ए वी एलेक्जेंडर सर स्टेप। अब कहा भैया 389 सीट की हमें जगह है और हम संविधान सभा में कितना सीट रखेंगे? 389। इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। अब भैया 389 जब है ऐसा बोल दिया गया तो उस समय हमारा देश में दो कैटेगरी के लोग थे। एक वैसे लोग थे जिस पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था और कुछ छोटे छोटे एरिया में ऐसे लोग भी थे जहां पे छोटे मोटे राजा भी अंग्रेजों से मिलकर अंग्रेजों का चाटुदार करके शासन कर रहा था। महाप की मध्य प्रदेश का सिंधिया घराना,
जिसको आपका मराठा साम्राज्य में भी अंग्रेजों का साथ दिया था, सब दिन अंग्रेजों का साथ दिया था। मध्य प्रदेश में आपका सिंधिया है, आज भी उसका खानदान में ज्योतिराज सिंधिया पहले कांग्रेस में था, अभी बीजेपी में, अगले कहाँ जा कोई आता पता उसका नहीं है। तो वो अभी भी अपने क्या बोलता है, राज घराने उसका अभी भी महल है। तो इन लोग ना भाई कहा कि भैया हम तो राजा हैं, हम तो राजा ही रहेंगे। इन लोगों ने दिमाग लगाया अंग्रेजों ने, कहा देखो तुम लोग इन लोग को अगर अभी भड़का देगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। तो इन लोग कहा भैया तुम जो है ना सो रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कहा कि तुम लोग अपना एरिया में जैसे मन कर रहा है वैसे रहो, हमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, लेकिन देश का संविधान बन रहा है, तुम लोग भी आमंत्रित है, तुम लोग भी अपना कैंडिडेट बनाकर भेज दो। कहाँ संविधान सभा में कितना संख्या निश्चित किया गया था, यह 389 संख्या में से 296 वैसे एरिया में था जहां अंग्रेजों का शासन चल रहा था, और 93 सीट उसको मिला देसी रियासत को, राजा और राजाओं को क्या कहा गया बाबू, देसी रियासत। किसको, राजा और राजाओं को, बोलो कौन रियासत, देसी रियासत। किसको कहा गया, राजा, बोलो कौन रियासत, देसी रियासत। किसको कहा गया, राजा, तो राजा और राजाओं को कहा जाता है देसी रियासत। इन लोग 93 सीट की बात कहा गया, इन लोग चुनाव वगैरह नहीं कराएंगे, जो उनका घर में पढ़ा लिखा तन सुन रहेगा उनको संविधान बनाने के लिए भेज देंगे। लेकिन इसमें तो बहुत लोग है ना, इसमें कहा भैया क्या होना चाहिए, तो चुनाव होना चाहिए। तो बोलो बाबू 389 संख्या तो निश्चित था, लेकिन चुनाव कितना पर होगा बताओ, 296। क्यों 296 पर चुनाव होगा समझ में आया, क्योंकि भैया वो 93 वाला चुनाव नहीं कराएगा, इन लोग अपना क्षेत्र से राजाओं का मनोनीत करके भेज देगा। बोलो क्या करके, मनोनीत राजा लोग अपने क्षेत्र में जो लोग बढ़िया होंगे ब्राह्मण से। तो पूछता है संविधान सभा का गठन के लिए चुनाव हुआ, मनोनीत हुआ या दोनों हुआ, यहाँ चुनाव हुआ, यहाँ क्या हुआ, चुनाव कितना पर हुआ, तो कहा चुनाव करा, तो भैया चुनाव करा तो कहा आरक्षण है भैया, सीट बंटवारा करेगा तब ना चुनाव होगा। बोलो क्या बंटवारा करो, सुने हरजन सीट, महिला सीट, जनरल सीट, समान सीट, बहुत सीट है। तो उस समय हमारा देश में 3 संप्रदाय के लोग थे, हिंदू मुस्लिम और आपका सिख, ज्यादा थे इन्हें। आइए सबसे पहले तो कहा देखो जनरल सब लोग चुनाव लड़ सकता है, इसको कहा गया सामान्य। बोलो क्या बाबू, और जनरल चुनाव कितना पर लड़ सकता है, 213। सब लोग इसमें टिकट लो, लड़ो कोई दिक्कत नहीं। स्पेशल मुस्लिम लड़ सकता है, बोलो कौन बाबू, स्पेशल मुस्लिम लड़ सकता है 79 पर, सही है ना। और कहा सिख भाई तुम लोग नाराज नहीं हो, तुम लोग भी चुनाव लड़ो, कितना पर आपको। अब भाई सुनो ध्यान से, इस समय का सबसे बड़ा पार्टी कौन था आपका, कांग्रेस। तो कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतारा कि नहीं उतारेगा, बहुत पार्टी थे, कांग्रेस भी अपना क्या उतारे, उम्मीदवार उतारता है। बोलो कौन भाई मेरे, कांग्रेस। अब कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा, सबसे ज्यादा सीट ले चलाया कांग्रेस, कितना सीट, 208 सीट। बोलो कौन, कांग्रेस, कितना सीट लाया, 208 सीट लाया। मुस्लिम को कितना सीट मिला था, मुस्लिम लीग पार्टी को कितना सीट मिला था, 79। यह अपना सीट हार गया, और आपका मुस्लिम लीग मात्र कितना सीट लाया, 73 सीट। सिख को कितना मिला था, 4, ये पूरा गड़बड़ा गया, 0 सीट लाया। तो बड़का को लड्डू कौन खाया बाबू, सिख। सिख क्या खाता, बोलो बड़ा सा लड्डू खाया आपका सिख। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ कमाल कर दिए निर्दलीय, निर्दलीय जानते हैं ना, जिसका कोई टिकट नहीं देता है वो लड़ जाते हैं 8 सीट, कितना सीट, बोलो कितना सीट लाए। और छोटे छोटे 7 पार्टी थे और एकक सीट लाए, जैसे पप्पू यादव छोटी पार्टी है कि नहीं, अभी को नहीं लाया है, और 7 को लाया, तो टोटल कितना हो गया भाई, 296 सीट पर चुनाव हो गया। बोलो सबसे ज्यादा किसका बहुमत है, तो आप सभी का पता, जिसका बहुमत ज्यादा होता है उसका क्या होता है, सरकार। लेकिन अपना देश आजाद अभी हुआ है, देश 1947 में आजाद होगा, मामला कब का है, 1900। अब बार बार अंग्रेजवा कह रहा है कि अब हम जीतियो हल, कुछ कर दियो हल, जीतियो हल, जीतियो मतलब समझ रहे हैं ना कि अब हम देश छोड़ने वाले हैं, और भारत का इतने चुनाव रुको ना जी, इतना बका कहाल गला। वो पहला पहला बार कोई मेहमान जाते ससुराल, तो 2-3 दिन पूरा भुंजिया उंजिया मिलता है,
नहीं भुंजिया उंजिया तरकारी भुंजिया एकदम परौठा, धीरे धीरे ओकर वैल्यू कमने लगता है। विकास को ऐसे हुआ था, भौजी ही गया था, विकास कमने लगा। ओकर बाद आपका क्या हुआ, धीरे कमते 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 कहा हम अब जीतियो हल, कोजी करती जीतियो हल। तो अब यहाँ पे अंग्रेज जाइले बार बार कह रहा है, अभी संविधान बना यहाँ आइए। तो कांग्रेस का उस समय मेन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो कहा भैया हम टेम्प्रोरी सरकार बनाते हैं। बोलो कौन सरकार? टेम्प्रोरी सरकार बनाते हैं, इसको हम बोलते अंतरिम सरकार। बोलो कौन सरकार? और अंतरिम सरकार की जो स्थापना होती है वो 2 सितंबर 1946 में, या सब दिन की सरकार है ना, टेम्प्रोरी है, टेम्प्रोरी अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 में, किसमें आपका पंडित जवाहर लाल नेहरू। बोलो बाबू कौन नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री बन गया और कहा भैया हम अंतरिम सरकार बना लिए। बोलो कौन सरकार? इसमें कई लोग शामिल हो गए है ना, बहुत सारे लोग का पद दिया गया, मंत्री का अलग अलग पद दिया गया। ये अंतरिम सरकार का स्थापना कब हुआ? 2 सितंबर 1946। बोलो कैबिनेट मिशन का मेन मकसद क्या था? संविधान बना। लेकिन साला यहाँ क्या बन रहा है? सरकार बन रहा है। अब लोग का भाई सरकार नहीं, क्या बनाओ? संविधान बनाओ। बोलो क्या बनाओ? संविधान। सरकार बनने से काम नहीं चलेगा। तो भैया का टेंशन मत, तो हम बहुत जल्दी क्या बनाने वाले हैं। बोलो अंतरिम सरकार का स्थापना कब? 2 सितंबर 1946 में। बोलो कब बाबू? 2 सितंबर। कई लोग थे लेकिन इसमें मेन कौन थे आपका? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोलो कौन नेहरू भाई मेरे? अब कहा देखो मेन काम है इसका क्या, तो मेन काम इसका है बनाना क्या, संविधान बनाना। तो सबसे पहले किसका गठन करेगा? संविधान सभा का। बोलो कौन सभा का? संविधान सभा का सबसे पहला गठन करेगा। रिकॉल करो कौन सभा का बाबू? संविधान सभा का पहला क्या करेगा? गठन। बोलो पहला क्या करेगा? गठन। कौन सभा का? बोलो संविधान सभा। और संविधान सभा का जो गठन किया, इसमें सबसे पहले बैठक वगैरह होगा ना, तो पहला बैठक का कि सोमवार का दिन बड़ी बढ़िया रहो हो, तो पहला बैठक कई तारीख के हुआ? 9 दिसंबर। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, समय 11 बजे, दिन सोमवार। तो बोलो पहला बैठक कब बाबू? ये पहला से पहला समझ आएगा ना, 9 दिसंबर 1946। रिकॉल करो कब? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। बोलो कब जी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसकी बैठक होती है? संविधान सभा की पहली बैठक हुआ और इसका अध्यक्षता बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बोलो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन कहा गया तू परमानेंट ना चचा, तू कौची है, अस्थाई है। बोलो कैसे बउआ? कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद। ओकर 2 दिन के बाद तुरंत दूसरा बैठक बैठा, तो 9 और 2 11 होना यानी भाग जाना। और कौन भाग गया? इनको हटा दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बोलो कौन बाबू? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया अस्थाई अध्यक्ष। राजेंद्र प्रसाद को। बोलो कौन अध्यक्ष बाबू? अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर। अब यह कहा कि भैया हम और साथ में उपाध्यक्ष भी चाहिए, तभी तो हम काम करेंगे। कौन चाहिए आपका? उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? H.C. मुखर्जी को। बोलो कौन मुखर्जी? हीरेंद्र कुमार मुखर्जी। कुमार नहीं, कुमार, 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 हीरेंद्र कुमार मुखर्जी क्या बनाया? उपाध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कैसे बन गए? बहुत पढ़ने में ब्रिलियंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के जीरा दोई गांव। कौन शहर का नाम, जिला का नाम क्या? सारण जिला के रहने वाले थे जी, कि सिवान के रहने वाले, जीरा देई। बोलो क्या बाबू आपका? जीरा देई। अब ये पटना में पढ़ते थे, कहाँ आपका? एक समय की बात है कि रोड पर ही सरकारी लालटेन से, लालटेन मतलब लैंप नहीं रहता, पोल वोम लगल ऐसे, ओकरा से पढ़ रहे थे बैठ के, रात की बात है। और उसके बगल से गुजर गया बराती, लेकिन यह व्यक्ति देखे तक नहीं।
कि बराती भी जा रहा है, एगो छोड़ा कलकट छड़वा वाला, उसको सुबह 6 बजे नींद नहीं टूटा, कहा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, रात में मस्तानी वाला फोन से बात हुआ होगा, उसके बाद तक कोई बातें नहीं है। अब नहीं बुरा, किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बोलो कितना, किसको बोलो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अरे भैया चचा राजेंद्र प्रसाद जी, माननीय आदरणीय है आप, लेकिन एक बात बता, अगर आज आप जिंदा रहते ना और आपके घर के बगल से बराती जाता और कोको कोला वाला गाना अगर बज जाता तो आपको तो छोड़ दीजिए, एकदम एक मन नहीं कैसे गड़बड़ाता। उस समय के बराती बुढ़ान सब रहता था, धोती पहन के लालटेन लेके, ऐसे ऐसे तो का देखेगा बेचारा, हमारे कुदरे देखते बोला का देखिए बुढ़ू के। और आज के तो लेको एकदम पुआर, एकरा कितना मजा आ रहा है। चले तो किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब दोनों PhD कह ले, झोला साहब डॉक्टर जी PhD कह ले हैं, और दोनों आपका क्या लगा हुआ? डॉक्टर। कितना संविधान सभा में लोग कितना हुए थे? 389 में थे बैठेगा ना, एकदम मस्त कुर्सी लगा। अब कुछ लोग अब्सेंट ना रहते हैं, करो पेट गड़ रहे, करो पत्नी मना कर, ना जो आज जीवो तो ब्रेकअप, आप कहाँ जाना जरूरी है? और राजेंद्र प्रसाद, ये आपका सजिदा रण सिन्हा, ये दोनों लोग आपका बिहार के रहने वाले थे, कहाँ गए? अब दो, एगो अस्थायी बने, वो क्या बने? तो बहुत कहावत सुनेंगे, एक बिहारी सब पर भारी, अब सुनो अलग है, दो बिहारी 389 पर भारी। बोलो कितना बिहारी? कितना पर भारी? 389 पर भारी। कौन कौन है? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और, सब लोग बोलो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और, एक बार डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और, बोलो कितना बिहारी है, कितना प्रभारी है, कौन कौन भैया, और बोलिएगा पहला बैठक कब हुआ, समय कितना बजे, दिन था सोमवार, दिन था, दूसरा बैठक क्या थे आपके, डॉक्टर कैसा था, उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। बोलो कौन? HC मुखर्जी। नाम बोलो कौन? मुखर्जी। तो पहला बैठक कई तारीख है, दूसरा बैठक कई तारीख है? सटले 13 दिसंबर को 1946 को आपका, यह जो आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया, उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव, कहा तुम लोग कर क्या रहा है, जल्दी कुछ रिजल्ट दो हमको। बोलो कौन प्रस्ताव? उद्देश्य। और उद्देश्य प्रस्ताव कब हुआ? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का 3 नंबर में बैठक में। बोलो कह बहु आपका। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है बाद में आया 22 जनवरी, अब दिसंबर है तो जनवरी ना आएगा, 19 कितना आपका 47 में। बोलो कब बाबू? 22 जनवरी 1947। फिर से बोलो कब? 22 जनवरी 1947 को आया उद्देश्य प्रस्ताव, और क्या बनकर आया? प्रस्तावना। बोलो क्या बाबू? प्रस्तावना बन के आया, और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। बोलो संविधान की कुंजी किसको बोलते हैं? प्रस्तावना के। हम भारत के लोग इसे बोलते हैं ना, आपके कहाँ आपके प्रस्तावना में। अब आपकी कै तारीख है? बोलो 22 जनवरी 1947। एक बार बोलो कब बाबू? 22 जनवरी 1947। अब यहाँ पे 18 फरवरी को आपका विधेयक पेश हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 22 जुलाई को पास हुआ, और आपका 15 अगस्त को देश क्या हो गया? आजाद। उससे पहले 3 जून 1947 को एक योजना आया था, उस योजना का नाम था माउंट बेटन योजना। बोलो क्या बाबू? माउंट बेटन, माउंट बेटन योजना। एक बार बोलो कौन योजना? माउंट बेटन योजना, 3 जून 1947 को। बोलो कब बाबू? 3 जून 1947 को। और इसमें निर्णय हो गया कि भारत और पाकिस्तान की बंटवारा हो जाएगी। बोलो किसकी बंटवारा? भारत और। कब निर्णय हुआ? 3 जून 1947। किस योजना के तहत?
माउंट बेटन योजना, बोलो कौन योजना बाबू? भारत और पाकिस्तान की बंटवारा का निर्णय कब हो गया और उसके बाद आपकी 22 जुलाई को स्वतंत्रता अधिनियम को पास कर दिया जाता है और 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हो गया अंग्रेजों से और 15 अगस्त को एक अधिनियम पेश कर दिया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कब? 15 अगस्त 1900। इस दिन से हम लोग कौन दिवस मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। अब जब भारत और संविधान, भारत बढ़ गया था, पाकिस्तान बढ़ गया था, तो संविधान सभा में संख्या भी तो बढ़ घट जाएगा। 389 थे, 90 कहाँ चले गए पाकिस्तान में, तो अपने पास कितना बचे थे? 299। कितना? 290 में तो है ना बच, तो कितना आपका? 299 बच गए थे। अब यही लोग कहें अभी देश आजाद हुआ है, भारत का संविधान नहीं बना है, अभी क्या आजाद हुआ देश? आइए फिर से एक बार रिपीट करते हैं, हम लोग यहीं से शुरुआत किए थे? नहीं सर, यहाँ से किए थे। बोलो आपका राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? संपूर्ण देश को चलाने वाली व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? फिर से बोलो, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? संपूर्ण देश को चलाने वाली व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहा जाएगा। और ये संपूर्ण देश की व्यवस्था कैसे चलता है? लिखल है, लिखल कौची है? किताब है। वो किताबा में कौची लिखल है? नियम और कानून है। और नियम और कानून को क्या बोलते हैं? संविधान। बोलो क्या बोलेंगे? सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक, कब भाई? 1800। फिर बोलो महात्मा, कब भाई? 1900। फिर बोलो 1934 में कौन राय? 1935 में कौन अधिनियम? 1940 में कौन प्रस्ताव? 1942 में? इस दोनों का ना चाहिए का, हमारा ओरिजिनल चाहिए। तो ओरिजिनल कौची आया? कैबिनेट मिशन। कै तारीख के? कितना लोग आए? पहला गाना, दूसरा गाना, तीसरा गाना, पैथिक लॉरेंस एबी अलेक्जेंडर सर स्टेफोर्ड क्रिफ्ट। फिर से बोलो, पैथिक लॉरेंस एबी अलेक्जेंडर सर स्टेफोर्ड क्रिफ्ट। एक बार बाबू, पैथिक लॉरेंस एबी अलेक्जेंडर सर स्टेफोर्ड क्रिफ्ट। फिर से बोलो, पैथिक लॉरेंस एबी अलेक्जेंडर सर स्टेफोर्ड। क्या करेगा? कितना संख्या? देशी रियासत कितना लोग आया? चुनाव कितना पर होगा? इसको दो भागों में बांटा जाएगा। ब्रिटिश क्षेत्र था, ब्रिटिश क्षेत्र था, ये क्षेत्र में ही था, क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया। ब्रिटिश क्षेत्र में कितना? 296। एगो ब्रिटिश प्रांत था, इसमें 292 था, और एगो ब्रिटिश कमिश्नरी था, उसमें आपका 4 था। 4 कितना होगा आपका? 4। चुनाव कितना पर होगा? 296। कितना पर होगा आपका? 296 पर। क्या कराएगा वो आपका? चुनाव। चुनाव कराया गया तो सब जनरल चुनाव लड़ेगा। 200 क्या था? 2-1 कितना होता है? होता है ना, 2-1 कितना होता है? चलिए मुस्लिम कितना, सिख कितना? कांग्रेस लाया, मुस्लिम लाया, सिख लाया, निर्दलीय लाया। 7 पार्टी 1 सीट, तो 7 सीट। बोलो अंतरिम सरकार का स्थापना किसने करेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में कितना लोग आया? बैठक होगा कि नहीं होगा बउआ? आ भैया पहला बैठक 9 दिसंबर 1900, दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1900, 9 दिसंबर और 11 दिसंबर। पहला का दिया कैसा था? दूसरा कैसा था? उपाध्यक्ष 13। तीसरा बैठा कौन प्रस्ताव क्या बना? माउंट बेटन योजना कब आया था? और आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कब हो गया? 15 अगस्त 1900। देश क्या हो जाती है? आजाद। संविधान बना, तो अभी संविधान बनने की प्रक्रिया भी बाकी है। अभी हम लोग देश आजाद कर लिए, अंग्रेज को यहाँ से हम भेज दिए। अंग्रेज हम भारतीय और पाकिस्तान को ऐसा लड़ाया कि अगर 15 अगस्त को झंडा हम नहीं फहराते हैं तो हम लोग लंबा लंबा नारा लगाते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद, दूध मांगो तो चीर देंगे और खीर
देते हैं। हाँ, कश्मीर मांगो तो चीर देंगे, क्योंकि भाई कश्मीर का विवाद उससे हमको करा के चल गया है, और पाकिस्तान अमन हमनी के करता है, और भैया देख के टुकुर टुकुर देख के हंसत रहता है कौन, अंग्रेजा कहता वाह वाह चचा कितना बड़ा काम किया था कि भाई एकदम लड़ा के आ गया है। कहाँ तक हम पहुँच गए थे, देश आज़ाद हो गया था, अब काम किसका बनेगा बताओ। तो हमारा देश का जो संविधान है ना, वो सबसे ज़्यादा लिया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम, अंग्रेजों से प्रभावित है। बोलो किससे बाबू, अंग्रेजों से। फिर जहाँ तहाँ अलग अलग देश, जैसे कि मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया, मूल कर्तव्य रूस से लिया गया, नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया, ऐसे करके अलग अलग देशों से हमारा देश में क्या लिया गया है, संविधान लिया गया है। बोलो अलग अलग देशों से क्या बाबू, आपका देश का क्या लिया गया था, संविधान लिया गया है। तो ये अलग अलग बातें हैं, तो इसके लिए एक यहाँ पे गठन होती है कई कमिटियां, आपका संघ में भी गठन होगा और प्रांत में भी कई प्रकार के यहां पे क्या गठन होती है, आपकी कमिटियां गठन होती है, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय समिति, परामर्श समिति, और उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट समिति होती है वो ड्राफ्ट समिति। बोलो कौन समिति बाबू आपका, ड्राफ्ट। प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति क्या करेगा कि पूरे के पूरे जितना भी समितियां आएंगे और जितना भी जो बाहर से लोग लाएगा संविधान, उसको यहाँ ड्राफ्ट तैयार करेगा, इसको कहा जाता है ड्राफ्ट कमेटी। बोलो कौन कमेटी, ड्राफ्ट कमेटी कहा जाएगा। और ड्राफ्ट कमेटी की स्थापना कब होती है, 29 अगस्त 1947 को। बोलो कब बाबू, 29 अगस्त 1947। बोलो कौन कमेटी, ड्राफ्ट कमेटी। बोलो कौन कमेटी, ड्राफ्ट। एक संकल्प पारित करके, बोलो क्या बाबू, संकल्प पारित करके 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्ट कमेटी का स्थापना होती है। बोलो कब भाई, 29 अगस्त 1947। एक बार बोलो कब, 29 अगस्त 1947। कौन कमेटी का स्थापना कब हुआ, 29 अगस्त 1947। बोलो 29 अगस्त 1947। बोलो कौन कमेटी, ड्राफ्ट कमेटी। कब हुआ स्थापना, जिसका अब अध्यक्ष जो बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का जनक कहा जाता है। तो संविधान का जनक किसको बोलेंगे, भीमराव अंबेडकर। अब आपका भीमराव अंबेडकर को ही संविधान निर्माता, संविधान का जनक कहा जाएगा, और यह प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। कौन समिति का, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बोलो कौन समिति का, प्रारूप समिति का। स्थापना कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। बोलो कब हुआ था, 29 अगस्त। इनके साथ 6 अन्य लोग थे, तो आपका टोटल कितना था, आपका 7 अध्यक्ष सहित कितना लोग, आपका 7। सबसे पहले कौन थे, भीमराव अंबेडकर। एक बार बोलो भीमराव, एक आपका अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर से बोलो अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर, अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर। बोलो कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, यही था ना जी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अयंगर। ये आपका 2 गो थे, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, यहाँ अय्यर कर लो ऊपर में, है ना, अय्यर अय्यर। बोलो क्या बाबू, अय्यर, और ये क्या था, अंगर, एन गोपाल स्वामी अंगर। 4 नंबर में के एम मुंशी, बोलो को बाबू, के एम मुंशी था। बोलो क्या था आपका, के एम मुंशी। एक था मोहम्मद सादुल्ला, बोलो क्या आपका, मोहम्मद सादुल्ला था। एक का नाम और क्या था भाई, माधव। बोलो क्या था आपका, एन माधव राव। बोलो फिर से क्या, एन माधव राव। बोलो एन माधव राव। और 7 नंबर में था सबसे इम्पोर्टेंट डीपी खेतान, बोलो कौन खेतान, डीपी खेतान। और इनकी मृत्यु हो जाती है 1948 में, तो इसके जगह पर आते हैं टीटी कृष्णामचारी। बोलो क्या आएंगे, टीटी कृष्णामचारी। कौन समिति का लोग,
प्रारूप समिति किसको कहते हैं भाई मेरे, जो आपकी संविधान में जो बातें आ रहा ना उसको डायरी में मेंटेन ड्राफ्ट तैयार कर लिख रहे हैं, जैसे कहते हैं ना रिलवा बनाते हैं तो ड्राफ्ट नहीं सेट कर सेव देते हैं कि अभी रुक जो बाद में पब्लिश करिए, अभी बरसात वाला रिलवा होता था पानी पड़े दे और बाद जाइए ठीक चल तो ये। तो कौन कमेटी आपका हो गया ये ड्राफ्ट कमेटी, बोलो कौन कमेटी आपका ड्राफ्ट कमेटी, कब 29 अगस्त 1947 संकल्प पत्र की अध्यक्षता में भीमराव अंबेडकर, नाम बोलो भीमराव, इसे क्या बोलते हैं संविधान का जनक, बोलो क्या बोलेंगे संविधान का जनक किसको बोलेंगे, हाँ पहला कौन था आपका भीमराव अंबेडकर, फिर बोलो अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एक बार बोलो अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एक बार बोलो अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर बोलो एन गोपाल स्वामी अयंगर, बोलो एन गोपाल स्वामी अयंगर, फिर क्या आपका के एम मोहम्मद सादुला, एन माधवरा और डीपी खेतर, अब याद करना साथों को एक साथ याद करना, तीन गो पार्टनर थे रूम में आए थे, ऐसे भी रूम में तीन पार्टनर ज़्यादातर रहते हैं, दो गो बड़ी कम रहते, तीन गो ज़्यादा मल की नहीं बोलते, तीन एक रही हैं भगवत, चार गो जहाँ बोल चप्पल जहाँ देख ले बाहर तो खाली करा दे, वो लग लगे और रूम में मिलते थोड़ा नहीं हमारा खाली धाम के दे, एक आपका अम्बेडकर और एक का नाम है अयंगर, बोलो जी एक का नाम है अय्यर, ये तीन गो दोस्त कौन कौन अम्बेडकर अयंगर अय्यर, एकदम पहला पहला बार शहर आया एकदम गया तो गया में तीन चार गो हवा चलता है अभी आप जानवे करते हैं, रबर डैम वाला हवा अलग चलेगा, सीताकुंड वाला अलग हवा चलेगा, कोचिंग वाला हवा अलग चलेगा, और जिस लॉज में रह रहे हैं उसका लॉज वाला छतवा पर हवा एकदम शानदार चलेगा, और बाद सब्जी ला जाए तो रोड पर के हवा अलग चलेगा, ये चार पाँच गो हवा पुरवैया पश्चिमी बच गए हैं तो आपको नौकरी हो जाएगा और नहीं बचे तो धकला जी में, हाँ एकदम लदाजी में, कौन कौन है अम्बेडकर अयंगर और अय्यर, एक बार बोलो अम्बेडकर अयंगर और अय्यर, थोड़ा हवा लगा लो का ना बोलो कौन कौन है अम्बेडकर अयंगर और अय्यर, अभी तीनों पार्टनर गया केरा पास मुंशिया के पास, कहे मुंशी तू बड़ी पहले से गया हम रहे थे हवा कैसे कैसे लगा बताता तो मुंशी के वो पार्टनर था कोची सादुल्ला, मुंशी के अगर चल तो भाई हवा ले वाला पंखा लावे जी भाई, कहाँ लावे जी भाई, तो कल के मुंशी चल मिले तो हाँ चल ना कोई दिक्कत नहीं समोसा खिले तो बोला हाँ विनय वाला कौन बोला, तो किसके साथ ले लिया मोहम्मद, अब रस्तावा में मिल गया मधवा, कौन मिल गया तो कहला चल रही ई पेट मधवा ही है खाए के नाम पर एकदम चल गया, सब कहाँ जा रहा था डीपी खेतान के पास, कहाँ बउआ काहे ले तो डीपी खेतान की 48 मिनट का भोज था, बोलो कौन था देखा जगह पर कौन आया टीटी कृष्णामचारी, बोलो कौन कृष्णामचारी टीटी कृष्णा, तो केकर भोज में जा रहा है हाँ कौन कौन है अंबेडकर अयंगर अय्यर, एक बार बोलो फिर से बोलिए अंबेडकर अयंगर अय्यर, कितने पार्टनर कौन कौन अंबेडकर अयंगर अय्यर, एक बार बोलो अंबेडकर अयंगर अय्यर, कितना पार्टनर तीनों पार्टनर केकरा पास गया मुंशिया पार्टनर वाह, कल कहाँ जाही रे तो भोज में रास्तावा मिल जाए माधवा का चल ना खाना बनावा नए पार्ट है काहे कि नहीं उन्हें छोड़ता है कौन मर गया बेचारा खेतवा मर गया था और कहाँ इसको जला दिया गया अगला बना टीटी कृष्णाम चाय एक बड़का वे तो टीटी कृष्ण बोलो किसकी बात है ड्राफ्ट तैयार हो गया कि नहीं बोलो कै तारीख के अगस्त के बाद कौन महीना सितंबर के बाद अब अक्टूबर के बाद तो कहा कि अब संविधान सभा पर तगड़ा वाला बहस होगा बोलो किस पर संविधान सभा पर और इस बहस को कहा गया रीडिंग या वाचन बोलो क्या बाबू और वाचन कुल कितना बार होगा तो संविधान सभा में कुल कितना वाचन बोलो कब बाबू संविधान सभा में कितना वाचन तीन वाचन एक बार पीछे से फिर से रिकॉल कर लेते लास्ट है यहीं से शुरुआत हुआ था बोलो राज्य व्यवस्था किसे कहते संपूर्ण देश को चलाने वाली व्यवस्था को फिर से बोलो राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं
क्या बोलेंगे बाबू? राज्य। अरे संपूर्ण देश की व्यवस्था किस पर चलता है? किताब में कौची है और नियम आई ककरा का बोलेंगे? बोलो क्या बोलेंगे? संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। सबसे पहले मांग बाल गंगाधर 1922 में औपचारिक मांग दोहराया गया था 35-36 में। कौन सा अधिनियम आया था? कौन प्रस्ताव? कौन प्रस्ताव? तब जाकर कौन मिशन दिमाग में सेठ है? कौन मिशन? कै तारीख के? 24 मार्च 1900। बोलो 24 मार्च 1900। कितने लोग थे? बोलो पहला का नाम, फिर बोलिए। पैथिक लॉरेंस एवी अलेक्जेंडर सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। एक बार बोलो, पैथिक लॉरेंस एवी अलेक्जेंडर सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। फिर से बोलिए, पैथिक लॉरेंस एवी अलेक्जेंडर सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। फिर से बाबू, पैथिक लॉरेंस एवी अलेक्जेंडर सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसका ट्रिक में कुछ बोलना है? पास। बोलो कुछ बोलना है? पी से, ऐसे, ऐसे क्या बनाएगा? कितना लोग रखा? चुनाव होगा? चुनाव नहीं होगा। जनरल का सीट मुस्लिम के लिए और सिख के लिए। कांग्रेस मुसलमान सिख लाया। निर्दलीय अन्य पार्टी। कौन सरकार? कै तारीख के? 2 सितंबर 1900। मेन काम क्या था? कितना लोग आएंगे? सब नहीं आएंगे, मतलब कुछ लोग कमेंगे। बोलो आपकी कै तारीख है पहला बैठक इसमें? 9 दिसंबर 1900 का। कौन बाबू? डॉक्टर सचिदा। कैसा थे? दूसरा बेटा कौन बउआ? कैसा थे? दोनों कहाँ के रहने वाले? दो बिहारी। सब लोग बोलो, दो बिहारी, दो बिहारी, दो बिहारी, दो बिहारी। 389 पर। सब लोग बोलो, दो बिहारी, दो बिहारी बउआ। 389 पर अस्थाई को डॉक्टर सचिदान। अस्थाई बउआ। उपाध्यक्ष कौन था? बैठक कब हुआ था? तीसरा। कौन प्रस्ताव? क्या बना? माउंट बेटन योजना का। 3 जून 1900 क्या निर्णय हो गया? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाएगा। बोलो किसका? किसका बाबू? भारत और। बोलो किसका बंटवारा? भारत और पाकिस्तान। अलग हो गया देश, अलग हो गया। 15 अगस्त 1900 कौन दिवस मनाते हैं? पाकिस्तान का मांग किसने अलग किया? पाकिस्तान का मांग मॉडर्न हिस्ट्री में से सब। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहला प्रयोग चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जीना उसकी मांग किया थे। लाहौर अधिवेशन किया था 1940 में। चलो ध्यान से समझो, आइए प्ररूप समिति की बात है। 29 अगस्त कितना? 1947। कितने लोग थे? 7। कितने लोग हुआ आपका? 7। ट्रिक क्या था? अंबेडकर, अयंगर, अय्यर। बोलो एक बार बोले, अंबेडकर, अयंगर, एक पटनरवा के नाम दोस्तवा का मुंशी पटनरवा। आए दोस्तवा कहाँ जा रहा था? काहे ले काहे भोज खाएगा? मरेगा तब ना। अगला कौन बनेगा? अगला दिन हम क्या पढ़ाएंगे? संविधान का वाचन। 3 गो कितना हुआ आपका? 3 गो। जाइए ऐश करिए, खूब घरे पढ़िए, पैकेज कल मिल जाएगा। एक समय की बात है कि रोड पर ही सरकारी लालटेन, लालटेन मतलब लैंप नहीं रहता, पोल वोम लगल ऐसे, ओकरा से पढ़ रहे थे बैठ के। रात की बात है और उसके बगल से गुजर गया बराती, लेकिन यह व्यक्ति देखे तक नहीं कि बराती भी जा रहा है। एगो छोड़ा कलकट शर्ट वाला, उसको सुबह 6 बजे नींद नहीं टूटा, का ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, रात में मस्तानी वाला फोन से बात हुआ होगा, उसके बाद तक कोई बातें नहीं है। अब नहीं बुरा, किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बोलो कितना? किसको बोलो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अरे भैया चचा राजेंद्र प्रसाद जी, माननीय आदरणीय है आप, लेकिन एक बात बता, अगर आज आप जिंदा रहते ना और आपके घर के बगल से बराती जाता
और कोको कोला वाला गाना अगर बज जाता तो आपको तो छोड़ दीजिए एकदम। उस समय के बराती बुढ़ान सब रहता था धोती पहन के लालटेन लेके ऐसे ऐसे तो का देखेगा बेचारा, हम आने कुदरे देखते बोला का देखिए बुढ़ू के। और आज के तो लेको एकदम पुआर इकरा के इतना मजा आ रहा है। चले हाँ तो किसको वोट सब अब दोनों लगा हुआ डॉक्टर। कितना संविधान सभा हम लोग कितना हुए थे 300 नहार के रहने वाले थे, कहाँ गए? अब दो एगो अस्थाई बने हो क्या बने तो बहुत कहावत सुनेंगे एक बिहारी सब पर भारी, अब सुनो अलग है दो बिहारी 389 पर भारी। समय की बात है कि रोड पर ही सरकारी लालटेन लालटेन लैंप नहीं रहता पोल वोम लगल ऐसे वगैरह से पढ़ रहे थे बैठ के, रात की बात है। और उसके बगल से गुजर गया बराती, लेकिन यह व्यक्ति देखे तक नहीं कि बराती भी जा रहा है। एगो छोड़ा कलक्का टी शर्ट वाला, उसको सुबह 6 बजे आज नींद नहीं टूटा, कहा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, रात में मस्तानी वाला फोन से बात हुआ होगा, उसके बाद तक कोई बातें नहीं है। अब नहीं बुरा किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बोलो कितना किसको बोलो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अरे भैया चचा राजेंद्र प्रसाद जी माननीय आदरणीय है आप, लेकिन एक बात बता, अगर आज आप जिंदा रहते ना और आपके घर के बगल से बराती जाता और कोको कोला वाला गाना अगर बज जाता तो आपको तो छोड़ दीजिए एकदम। उस समय के बराती बुढ़ान सब रहता था धोती पहन के लालटेन लेके ऐसे ऐसे तो का देखेगा बेचारा, हम आने कुदरे देखते बोला का देखिए बुढ़ू के। और आज के तो लेको एकदम पुआर इकरा के इतना मजा आ रहा है। चले हाँ तो किसको बाबू? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब दोनों लगा हुआ डॉक्टर। कितना संविधान सभा हम लोग कितना हुए थे 300 नहार के रहने वाले थे, कहाँ गए? अब दो एगो अस्थाई बने हो क्या बने तो बहुत कहावत सुनेंगे एक बिहारी सब पर भारी, अब सुनो अलग है दो बिहारी 389 पर भारी।